आपने कई फिल्में देखी होंगी जिनमें प्रेमी अपनी प्रेमिका की शादी हो जाने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में भी हुआ, जिसमें सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने की चाह में उसकी दो शादियां ही तोड़वा दी। प्रेमी की इस आशिकी से परेशान होकर गांव वालों ने अब प्रेमी से ही उसकी शादी करवा दी है। हम बात कर रहे हैं बिहार के पानापुर थाना इलाके के छपरा की। ये अनोखी आशिकी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल रामपुर रुद्र के रहने वाले नीरज का हंसापीर गांव की रहने वाली महेश यादव की बेटी पविता से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इसी बीच प्रेमिका के पिता ने उसकी शादी एक दूसरे युवक से कर दी, जिससे नाराज होकर नीरज उसकी ससुराल पहुंचा और उसके दाम्पत्य जीवन में जहर घोल दिया, जिससे इसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। बदनामी से बचने बबीता के पिता ने प्रेमी नीरज के साथ ही शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन उसके पिता दहेज में 2 लाख रुपए मांग रहे थे। तो बबीता की शादी उसके पिता ने गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के जगदीशपुर गांव में कर दी। यहां भी उसका प्रेमी बीच में आ गया, जो बबीता और उसके पति को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे घबराए ससुराल वालों ने बबीता को उसके मायके पहुंचा दिया। प्रेमी की करतूतों से बेहद परेशान हो चुकी बबीता पिता के साथ रामपुर रुद्र गांव पहुंची, जहां पर पंचायत बैठाई गई। यहां प्रेमी नीरज ने बबीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की हामी भरी, जिसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। नाम? बबीता कुमारी। पिता के नाम? घर? अपना मर्जी शादी के नहीं लगवान? पूरा पता बताओ ना। नाम कहा? नाम कहा? नीरज कुमार। पिता के नाम? शंकर राय। घर? रामपुर। चलो ताली बजा दी लोगों, बजाई लोगे, भाई बहन के रिश्ता ऐसा न होला। भाई बहन के रिश्ता, अरे भेने आओ ना रे, घूम जालो भाई, मैं घूम जालो, मेन मेडिएटर हुए मनी जो ही तो ये बेचा है। ठीक वाले के जाओ, जा